हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन वाला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस का बेस बनाने वाले हैं। और ये मैंने 3.5 इंच के कान्हा जी के लिए बनाया हुआ है। लंबाई 3.5 इंच है इनकी और ये इनका नंबर है 3 नंबर के कान्हा है ये। तो बट कि आप बेस 4 नंबर के कान्हा को भी पहना सकती हैं। मेरे पास 4 नंबर के कान्हा भी हैं। 4 नंबर को भी मैंने पहना के देखा, बहुत अच्छे से आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप 3 और 4 दोनों साइज के कान्हा जी को पहना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन वाला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से करके जब हम आगे से लेके जाते हैं तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पर ये बांध दिया और अब बांधने के बाद देखें, यहाँ से बेस को आप थोड़ा सा सही से सेट करें। जब बीच में बंधाता है तो थोड़ा सा ये इकट्ठा होता है पास पास, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। जब आप यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। साथ में मैंने आपको मैचिंग की कैप बनाना भी बताया हुआ है। तो ये हमारे 3 नंबर के कान्हा जी के लिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। बट इससे पहले मैंने आपको कई सारे साइज में बताया हुआ है, अगर इसमें से आपके कोई भी हैं कान्हा जी तो आप बना सकते हैं। जैसे कि ये 3 नंबर हो गए, ये हमारे 2 नंबर हो गए, ये 1 नंबर हो गए, और ये हमारे 0 साइज के हो गए, और ये 00 साइज के हो गए। तो इनमें से आपको जिस भी साइज का बनाना हो, वीडियो अपलोड है चैनल पे, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप देख के बना सकते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का ऊन लिया है और ये है हमारे 3 नंबर के कान्हा जी। साथ में मैंने ये क्रोशिया हुक जो ली है वो हमने 2 mm में ली हुई है। तो पहले कान्हा जी की लंबाई आपको बता देती हूँ कि कितने इंच है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से इंच टेप को अगर हम यहाँ से ऐसे सीधा करते हैं, ये ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लंबाई है कान्हा जी की वो है 3.5 इंच। 3.5 इंच से 1 पॉइंट हल्का सा अधिक है, 3.5 इंच आप मान सकते हैं। तो अगर आपके कान्हा 3.5 इंच के हैं या 1 पॉइंट अधिक है, ये 3 नंबर के कान्हा है, तो आपके कान्हा जी 3 नंबर के हैं। तो मैं इसी साइज के लिए आपको बेस बताने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा के एक लूप बना लेनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे एक लूप बनाई। अब इसमें अपने हुक को डालेंगे और डालने के बाद हमें इस तरह से टाइट करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टोटल हमने यहाँ पे 14 चेन बनाई। अब देखिए, एक चेन हमारे हुक में है, इसके बाद हम एक और दो चेन और छोड़ेंगे, और जो जो तीसरी चेन है इस तरह से किया, तीसरी चेन में डालना है। और यहाँ पे हमने फंदे को निकाला, देखें 3 फंदे हैं, तो 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार इस तरह से निकाला, फिर हमने इस तरह से किया, और यहाँ पर हमें देखें सेम चेन में डालना है, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। अब देखिए, हमें यहाँ पे फिर से इस तरह से करना है, और जो अगली चेन है इसमें हमने डाला हुक को अपने और फंदे को निकाला। अब देखिए, 3 फंदे हैं, तो 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार, फिर हमने इस तरह से किया, यहीं सेम चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। इसी तरह हमें यहाँ सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना दी। ये इस तरह से हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे टर्न करना है। ये देखिए, हमने टर्न किया, टर्न करने के बाद हमने यहाँ पे 1 और 2 चेन बनाई। यहाँ से ये जो हमारा ऊन है इसे यहीं से ऐसे पकड़ लेते हैं, तो यहीं पे हमारा हाइड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट चेन में हमने ये 1 बार डबल क्रोशिया, सेकेंड चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, और जो थर्ड चेन आएगी इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये 1 हो गया, और यहीं सेम चेन में हमने 1 और बार बना दिया। इसी तरह से हमें फिर से बुनना है। देखिए, फर्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, सेकेंड चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, और जो थर्ड चेन आएगी इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है, 1 और ये 2। ऐसे करके हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे, 2 चेन में 1 बार और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये अपनी 2 रो है बना के कंप्लीट कर दी। अब क्या करना है, यहाँ से इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद हम देखिए 1, 2, 2 चेन बनाई इस तरह से। अब यहाँ पे फर्स्ट जो चेन है इसमें हमने देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, यहाँ 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया। फिर हमने इस तरह से किया, दूसरी चेन में हमने 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी 1 बार हाफ डबल क्रोशिया,
चौथी चेन में भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया, और जो पांचवी चेन आएगी इसमें अब हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे, चार चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया और पांचवी चेन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब ये वाली रो आप बहुत ध्यान से देखिए हमें किस तरह से बुननी है। यहाँ से इसे टर्न किया, टर्न करने के बाद हमने एक दो दो चेन बनाई। ये जो हमने अभी दो चेन बनाई ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया ही माना जाता है, तो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है। अगली चेन में हमने दूसरा बना लिया। यहाँ सभी चेन में हमारा एक एक बार ही बनेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। फिर देखें नेक्स्ट चेन में हमारा तीसरा हो गया, फिर अगली जो चेन आई इसमें हमने चौथा बना दिया, फिर अगली जो चेन आई ये हमारा पांचवा डबल क्रोशिया हो गया, और फिर अगली जो आई ये हमारा छठा हो गया। हमने छह डबल क्रोशिया यहाँ पे बना ली। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, और यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन का गैप देने के बाद 9वीं चेन में हमें डालना है। फंदे को निकाला, देखिए 3 फंदे हैं, तो 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया ये इस तरह से। अब यहाँ पे हमने एक चेन में अभी एक बार बनाया है, अब देखें नेक्स्ट चेन पे एक बार हो गया, दो हो गया, फिर नेक्स्ट चेन में तीसरा हो गया, फिर नेक्स्ट चेन में हमारा चौथा हो गया, फिर नेक्स्ट चेन में पांचवा। इसी तरह से हमें यहाँ टोटल 11 बनानी है, तो 5 हो गया है, सभी चेन में एक एक बार बनाऊंगी। हमारा 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये लास्ट 11 हो गया। हमने यहाँ पे 11 बना दिया। अब देखें फिर इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन का गैप देने के बाद 9वीं चेन में डालना है और डबल क्रोशिया बनानी है। हमने एक बनाई अभी, ये हमारी दूसरी हो गई, इधर भी टोटल हमारी 6 आ जाएगी, ये हमारी तीसरी हो गई। सभी चेन में एक एक बार ही बनाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये हमारी चौथी हो गई, फिर देखें ये 5वीं डबल क्रोशिया, और ये लास्ट 6ठी डबल क्रोशिया। ये इस तरह से हमारा हो गया। ये देखें इधर हमारा 6 हो गया, इधर 6 हो गया, बीच में हमने 11 बनाया, और यहाँ हमने 8 8 छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुन देनी है। इस तरह से 2 चेन बनाई, और यहाँ देखिए सभी चेन में इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया बुन देंगे, जो स्टार्टिंग में 6 है, फिर बीच में 11 और इधर की 6, इन सभी में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बुननी है ये इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पे बुन लेती हूँ, फिर नेक्स्ट रो आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये जो चोली है वो कंप्लीट हो गई है, ये इस तरह से आएगी। ये देखें ये ऐसे करके चोली कंप्लीट हो गई। अब हम यहीं पे अपना घेर बनाएंगे, तो यहाँ पे से टर्न किया, टर्न करने के बाद देखें 2 चेन बनाई, और यहाँ पे आपको जितनी भी चेन दिख रही है सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए फर्स्ट चेन में हमने डाला इस तरह से, ये हमने एक बार डबल क्रोशिया, और यही सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने अगली चेन में देखें ये एक बार, और यही सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हम यहाँ सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी चेन में दो दो बार बना दिया डबल क्रोशिया। अब क्या करना है, इसे टर्न करना है, और हमें अगली रो बुननी है। तो देखें एक दो दो चेन बनाई, यहाँ पे हमने एक चेन में एक बार, और जो अगली चेन आएगी इसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से देखें अगली चेन में हमने डाला, 2 फंदे हैं, इस तरह से निकाल दिया, फिर सेम चेन में डाल के डबल क्रोशिया बुन दी। फिर देखें नेक्स्ट जो चेन आएगी इसमें हमने एक बार बुना, और इसके बाद वाली चेन में हम फिर से 2 बार बुनेंगे, एक और ये 2। इस तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है, एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए यहाँ पे हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये हमने ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट करने के बाद हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखें एक दो दो चेन बनाई, दो चेन बनाने के बाद ये देखिए फर्स्ट चेन में एक बार, सेकेंड चेन में एक बार, थर्ड चेन में एक बार, और जो हमारी फोर्थ चेन है इसमें अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करना है, 3 चेन में एक बार और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए हमारे यहाँ पे थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब फोर्थ रो किस तरह से बुनेंगे आप देखें। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक दो दो चेन बनाई, अब यहीं फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से देखें डबल क्रोशिया एक बार, और इसी में एक और बार,
दो बार हमने बनाया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन में हमने एक बार, दूसरी चेन में भी हमने एक बार, तीसरी चेन में एक बार, चौथी चेन में एक बार, पांचवी चेन में एक बार, और अब जो छठी चेन आएगी इसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। मीन्स हमें यहाँ पांच पांच चेन में एक एक बार और जो छठी आ जाए उसमें दो बार डबल क्रोशिया बना के अपना रो कंप्लीट करना है। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी 1 2 3 4 चौथी रो भी बना ली है। अब पांचवी रो आप देखें किस तरह से बुननी है। ये हमें यहाँ पे एक दो दो चेन बनाए, इस तरह से किया, सेम जगह डाल के एक बार डबल क्रोशिया और यहीं पे डाल के एक और बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने एक चेन में एक बार, फिर दूसरी चेन में भी एक बार, तीसरी चेन में भी एक बार, चौथी चेन में भी एक बार, पांचवी चेन में भी एक बार, छठी चेन में भी एक बार, सातवीं चेन में भी एक बार, और जो आठवीं चेन है अब इसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक और यही सेम चेन में एक और बार। इस तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी पांचवी रो भी बुन ली। अब ये हमारी लास्ट रो है, आप देखें किस तरह से हमें बुननी है। अब यहाँ पे हमें देखें इस तरह से एक दो दो चेन बनाई हमने। यहाँ देखें फर्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, सेम चेन में एक और बार। ये तीन फंदे हैं, तीनों जब एक साथ उतारते हैं तो हम इसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर हमने इस तरह से किया। अब देखिए अगली चेन में हमने एक बार, एक चेन में हमने एक बार बनाया, दूसरी चेन में एक बार बनाया, तीसरी चेन में एक बार बनाया, चौथी चेन में एक बार बनाया, पांचवी चेन में एक बार हो गया, छठी चेन में एक बार, सातवीं चेन में एक बार, आठवीं चेन में एक बार, नौवीं चेन में एक बार, और अब जो 10वीं चेन आएगी इसमें हम दो बार बनाएंगे। तो ये एक और यही सेम चेन में एक और बार। इसी तरह से हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है रो, और हमारा ये बेस भी रेडी हो गया है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, एक नॉट लगाएंगे लंबा करके, कट कर देना है। इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा आपका एकदम ये गोल सा बेस बन के रेडी होगा। इसे बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको जैसे बताया है वैसे आप बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डोरी डालनी है, तो डोरी चलिए सिंपल से चेन बना के बना लेती हूँ, फिर आपको कैप बनाने में बताऊंगी। ये देखिए हमने यहाँ पे सिंपल से ये चेन बना ली है। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से करके हमें डालना है। एकदम सिंपल और आसान तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये देखें यहाँ से ऐसे पकड़ के हमें खींच लेना है। तो ये हमारी डोरी यहाँ पे आ गई, हमारा बेस रेडी हो गया है। अब चलिए कैप बनाते हैं। तो कैप के लिए हमने अपना ऊन ले लिया है। ये देखें सबसे पहले हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे इस तरह से। अब इसमें अपने हुक को डालना है, और डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा टाइट किया। अब यहाँ पे देखिए हमें ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार चेन बनाई। अब फर्स्ट चेन में हम डालेंगे हुक को, और डालने के बाद पीछे से फंदे को निकाल लिया। अब देखिए हम पे हमें छोटा सा सर्कल मिल गया है। हमें क्या करना है, एक दो, हमने दो चेन बनाई, ये जो हमने अभी दो चेन बनाई इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। इस तरह से करेंगे। अब इसी छोटे से सर्कल में डाल के हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखें ये हमारी दूसरी डबल क्रोशिया हो गई, ये हमने तीसरी बना ली, टोटल 14 बनानी है। ये देखें सेम सर्कल में डाल के हमें टोटल 14 डबल क्रोशिया बनानी है। चार हो गई, ये हमारी पांच हो गई। तो चलिए मैं यहाँ पे टोटल 14 बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। हमने यहाँ पे देखिए टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हमें देखें इस तरह से एक दो दो चेन बनाई। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखें फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, सेकेंड चेन में एक बार डबल क्रोशिया, और जो थर्ड चेन है इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक और यही सेम चेन में एक और बार। इसी तरह से हम अपना पूरा रो कंप्लीट करके यहाँ ज्वाइंट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से दो चेन बनाई, और दो चेन बनाने के बाद यहाँ सभी चेन में हम एक एक बार अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए तीन फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया। सभी चेन में सिर्फ एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, बना के इसे हम
रेंट करेंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। देखिए मैंने यहाँ पे अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर ली हाफ डबल क्रोशे की। अब फिर हम एक रो और बना लेंगे हाफ डबल क्रोशे की और ज्वाइंट करके नॉट लगा के कट कर देंगे, तो हमारी कैप जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी यहाँ पे कैप कंप्लीट हो गई है, कान्हा जी को बहुत अच्छे से आ गई, हमारा बेस भी कंप्लीट है। तो चलिए अब पहना लेती हूँ कान्हा जी को, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 3 नंबर के कान्हा को पहना दिया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिट आ गया है, एकदम गोल घेरा आया है हमारा पीछे से, बिना कुछ लगाए ये अपने आप ही खड़ा है। थोड़ा सा हार्ड था ये ऊन, इस वजह से इस तरह से खड़ा हो गया है। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बताया है। ये 3 नंबर के कान्हा का है, ये देखें ये 2 नंबर के कान्हा का है, ये हमारे 1 नंबर के कान्हा का है, ये 0 नंबर के कान्हा है, और ये 00 साइज है, बहुत छोटे साइज के आते हैं। तो इन सभी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, लिंक इन सब का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये वाला जो बेस मैंने बनाया था ये 4 नंबर के कान्हा को भी आ जा रहा है, ये देखें ये रहे 4 नंबर के कान्हा जी। तो आप 4 नंबर को भी पहना सकते हैं, आप यहाँ पे एक राउंड और एक रो और बुन लेंगे तो एकदम अच्छे से आएगा। वैसे भी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी ही कि आपको 4 नंबर के कान्हा का किस तरह से बनाना है, बट ये भी आ जा रहा है बहुत आसानी से। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।